नंदी हिल, जिसे लोकली नंदी बेटा के नाम से भी जाना जाता है, बेंगलोर से 70 किलोमीटर दूर चिकबल्लापुर में सिचुएटेड है। अगर आप बेंगलोर आए हो तो एक मस्ट विजिट है। तो हे गाइस, नितेश हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज अरसों बाद एक व्लॉग इस चैनल पे आ रहा है एंड वेरी सॉरी फॉर दैट। लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे चल रहे हैं ना जहां पे समय ही नहीं मिल पा रहा व्लॉग को लेकर के। तो दोस्तों आज व्लॉग इसलिए क्योंकि हम जा रहे हैं, मतलब हम बोले तो मैं और सुमी, हम सब निकल रहे हैं एक छोटी सी राइड के लिए जो कि है यहाँ का नंदी हिल्स। अगर आप बैंगलोर में हो और आप नंदी हिल्स नहीं गए हो तो बता दूं कि नंदी हिल्स जो है ना वो मेन बैंगलोर सेंटर से करीब करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर है और मैडम को थोड़ा राइड को लेकर के यूज टू करवाना भी बहुत जरूरी है। तो ये छोटी छोटी राइड्स जो है ना वो थोड़ा दिमाग में चल रहा है कि प्लान करके रखूंगा, साथ में अगर हम राइड करते हैं लंबी लंबी तो उसमें हेल्प करे। तो समय हो रहा है सुबह के 4:30, ऑलमोस्ट रेडी हैं, बस ऊपर से डालना है जैकेट, पहनेंगे जूते। और एक हाँ बहुत बुरी खबर ये है कि मेरा जो गोप्रो है ना वो हो चुका है पूरी तरह से डेड, इट्स जस्ट लाइक अ पेपर वेट नाउ, क्योंकि लास्ट जो ब्लॉग मैंने डाला था अंडमान का तो एक अंडर वाटर शॉट लेते वक्त पानी उसके अंदर चला गया और नाउ इट्स लाइक गॉन। तो अब बस ट्राई कर रहा हूँ कि अगर बैंगलोर में कहीं बन जाए तो बहुत अच्छी बात। अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर सर्विस हो सकता है बैंगलोर में गोप्रो तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। तो मैडम हो चुकी है तैयार, जैकेट निकाला जाए, पहना जाए, मस्ट। यहाँ हमारा जो जैकेट है वो पड़ा हुआ है बड़े दिनों से, ये वाला जैकेट मैं निकाल लेता हूँ और तुम्हारा ये वाला जैकेट। वो बहुत मेसी सा बेड है फिलहाल तो एक्सक्यूज अस फॉर दैट। ये रहा मैडम का जैकेट, इसके अंदर है लाइनर, पता नहीं वैसा ठंड है या नहीं बाहर, इसे लगाओगी? नहीं इसे नहीं लगाऊंगी। ठीक है इसे निकाल दो, ये दूसरा वाला जैकेट निकालता हूँ यार, बहुत अरसा हो गया इसे पहने हुए, ये जैकेट बहुत हेवी हो जाता है टूरिंग के लिए। तो अभी पास में ही जा रहे हैं तो नंदी हिल्स के लिए ये वाला जैकेट काफी होगा, बहुत पुराना हो चुका है ये जैकेट भी, फिट आ रहा है ना, मोटी हो गई। सुबह सुबह इस उम्मीद में हम निकल पड़े कि शायद हमें सनराइज देखने को मिल जाए, बट रास्ते में ही सूरज भगवान के दर्शन हो गए। ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की राइड के बाद जब ऊपर पहुंचे तो भीड़ काफी बढ़ गई थी। भीड़ से बचने के लिए वीकडे में हम पहुंचे यहाँ पे, आज है मंडे, लेकिन फिर भी आप देख लो यार, लकीली रास्ते में नहीं मिला हमें जैम। कितना दिन बाद आया? 2018 में आया था मैं, तो करीब करीब 4 साल के आसपास हो गया। टिकट का जो प्राइस है पर पर्सन 25 रुपीज और बाइक का 20, तो हमने पे किया ओवरऑल 70 रुपीज। बारिश नहीं हो रही, ये बादलों के कारण जो मॉइस्चर है ना वो इन पत्तों में ट्रैप हो गया है और वो गिर रहा है, तो हमें लग रहा है कि बारिश हो रही है लेकिन बारिश नहीं हो रही। थोड़ा सा हम लेट हो गए, अगर थोड़ा जल्दी निकलते तो शायद सनराइज हम यहाँ से देख सकते थे, लेकिन रास्ते में सनराइज नजर आ गया। तो चलो जी थोड़ा सा और घूमते हैं हम यहाँ पे, 2 किलोमीटर का पूरा राउंड ट्रिप है, तो घूमते घूमते आपको भी नजारे दिखाते हैं। तुम्हें कैसा लग रहा है? मतलब इतने दिनों के बाद बाइक चला के तो बहुत अच्छा लगा, 3-4 महीनों के बाद एक थोड़ा सा लंबा सा राइड हुआ तो अच्छा ही लगा। इतने बार आया हूँ लेकिन पहली बार इस तरह का वेदर मिल रहा, मिस्टी वेदर और क्लाउडी नंदी हिल बहुत ही अमेजिंग फील दे रहा था। जैसे फोटो में देखा था सिमिलर नजारा देखने को मिला। मुझे ठंडा बहुत लग रहा था, शिलोंग में इतनी जगह है मुझे तो सेम ही चीज लगी है, लेकिन अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन तुमने बोल रहा था कि भीड़ नहीं होगी तो मैं एक्सपेक्टेशन में थी कि ना चलो भीड़ नहीं है तो अच्छा है। तो जिस तरह हमने प्लान बनाया कि भाई वीकेंड में नहीं जाते हैं, वीकडेज में जाएंगे, और मंडे उसी सोच में यहाँ पे आते हैं और हमारे जैसे सोचने वाले इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, फिर से भीड़ बढ़ गई। खैर तो
कम से कम ये बात थी कि जब ऊपर चढ़ रहे थे ना, तो वीकेंड में मेरा पहले एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा है, क्योंकि ऊपर चढ़ने में बहुत समय लग जाता है, पूरा चढ़ाई वाला जो रास्ता है ना, पूरे कर्व्स में जाम लगा रहा था, वो चीज नहीं मिली इस बार। लेकिन हाँ, फिर भी कहा जाए तो ठीक ठाक सा क्राउड है। किसी जमाने में टीपू सुल्तान ने इस जगह में अपना फोर्ट बनवाया था। टीपू ड्रॉप वो जगह है जहां से लोगों को पनिश किया जाता था। यह माना जाता है कि ऑलमोस्ट 600 फीट की हाइट में लोगों को नीचे फेंक दिया जाता था। तो हमने कवर के लिए दोनों स्पॉट यहाँ पे जो है, एक जहाँ पे मैं अभी इस वक्त खड़ा हूँ, यहाँ से व्यू बहुत अच्छे लगे, बहुत मजा आया। और वो पिछला वाला जो स्पॉट, अभी धूप आ रही है ना, तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि हाँ, बहुत ठंडा लग रहा है, हवाएं बहुत चल रही है यहाँ पे और थोड़ा सा ठंड लग रहा है, क्योंकि बस एक पतला सा टी शर्ट डाल रखा है। तो पीछे मेरे एक टेम्पल है, तो चलो वहाँ चल के देखते हैं क्या है उस टेम्पल के अंदर में। पहले मैं कभी गया नहीं उस टेम्पल में, तो चलो इस मंदिर के अंदर चलते हैं। भोगानंदेश्वर टेम्पल 9th सेंचुरी में बनवाया गया द्रविड़ियन स्टाइल टेम्पल है, जिसे चोला डायनेस्टी ने फिर से रिन्यूवेट किया। टेम्पल के अंदर एक ब्यूटीफुल पॉन्ड है, परफेक्ट फॉर फोटोग्राफी। जब भी नंदी हिल्स आते हैं लोग, तो यहाँ पे एक टेम्पल है जो मिस कर जाते हैं सब, अंदर नहीं आते। और अगर आप अंदर आओगे ना, तो यहाँ पे टेम्पल के अंदर में ही ये पॉन्ड है जो आपको अभी नजर आ रहा है, यूजुअल स्पॉट्स है जो आप हमेशा देखते हो। उसके अलावा ये जो टेम्पल है ना, यहाँ मस्ट विजिट है, मतलब अच्छा लगेगा आपको। मुझे टेम्पल में आके अच्छा लग रहा है, यहाँ पर बहुत ही ना खाली खाली है, ज्यादा लोग नहीं है। तो गाइज यहाँ पे होता है इस मंदिर के अंदर में हमारा दर्शन कंप्लीट। अगर आप आ रहे हो नंदी हिल्स, तो इस जगह को मिस मत करना, आप आओ यहाँ पे, अच्छा लगेगा आपको। खास करके अंदर में जो वो पॉन्ड वाला एरिया है ना, वो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर के। और इतनी बार आया हूँ नंदी हिल्स, लेकिन फर्स्ट टाइम इसके अंदर जाने का मौका मिला, खास करके साथ में, तो अच्छा ही बात है। और चलो अब लग रही है भूख हल्की फुल्की, तो यहाँ पे देखते क्या मिल रहा है। निकल चुके हैं नंदी हिल्स से, करीब करीब 10 किलोमीटर का सफ़र हमने कर लिया था। मैडम को आ रही थी नींद, तो इसीलिए सोचा कि कहीं रुक करके थोड़ा रिफ्रेश हो ले, चाय कॉफ़ी पी ले और ब्रेकफास्ट भी कर ले, क्योंकि टाइम ऑलरेडी जो है वो हो चुका है 10:30। वैसे तो हम सब आजकल बहुत लेट उठ रहे हैं, लेकिन आज नंदी हिल्स आने के चक्कर में सुबह 3 बजे से जगे हुए। वो पंचायत का डायलॉग याद आ रहा था कि पूरा गाँव अगर सुबह 6 बजे उठ जाएगा तो 9 बजे लगेगा दोपहर हो गया। तो वैसे ही हाल हो रहा है हमारे साथ। नाश्ते का इंतज़ार है, हमने ऑर्डर किया है डोसा, मसाला डोसा और पेपर डोसा, आता है खाएंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे फटाफट। अभी भी 60 किलोमीटर जैसा सफर तय करना है हमें। बस उम्मीद करते हैं कि ट्रैफिक जो है ना, उससे हमारा सामना ना हो, नहीं तो फिर अच्छा खासा समय। तो दोस्तों कर लिया हमने ब्रेकफास्ट यहाँ पे कंप्लीट, और अब निकलेंगे घर की ओर। रास्ते में वैसा कुछ दिखाने लायक है नहीं और कैमरा भी नहीं कि आपको दिखा सके, तो ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड। हो आज का वीडियो आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो, इतना सभी अच्छा लगा है तो वीडियो को करो लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ करो वीडियो शेयर और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। कोशिश रहेगी कि आगे आने वाले दिनों में आपको रेगुलर कंटेंट मिलता रहे। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर। Oh, 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 oh